Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. देखो अभी आ रही है दादा के साथ मस्त खेल रही है अभी कब से बोले जा रही थी मैंने फोन चालू किया तो बंद हो गए उड़ी 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 कर आप सबकी कमेंट आई थी कि आरोही उड़ रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको तो मजा आ रहा है हमें भी यहाँ पे हमारी भिंडी बहुत ही बढ़िया नए नए पान निकाल कर बड़ी होती जा रही है तो भिंडी और यहाँ पे रिंगणी मस्त होती जा रही है लेकिन हम राह देख रहे हैं कि रिंगणी का पेड़ जो है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा और ये तो बहुत ही आगे बढ़ रहा है बटाटा का वेला यहाँ पे घंटी बिगड़ गई है अरुमापा की थोड़ी रिपेयर करते हैं अरुमापा हूँ जो लोट न चला तो बंद थी गई से घंटी लोट न निकले तो ऊंचू रेवन भरो आवे तात्कालिक हमें क्या रिपेयर करे नहीं अच्छा ये मुझे कहीं आंखों बाज बात कहीं खवाई नहीं ये तो नोच खवाई ये बाबू हमार माँ फरी आज करी रोटला नहीं मले लेकिन क्यों हो उनके घंटी बंद थी कि तात्कालिक मतलब भाई ने बोला ही है वो अच्छा आओ बड़ी तकलीफ हो है ए ठीक घंटी में हूं गिरो बाबू घंटी में हो थाए लोटस थाए बीजो काई न थाए अपन तुम्हें खोट भी ना की घंटी आ खोट काई जाय काई मणाई से मणाई मांदा पड़े घंटी मांदी तो पड़े आता दोपहर का टाइम हो चुका है लेकिन अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो है तल की चिक्की टिंकी तल की अलग अलग वैरायटी बनाएंगे तो आपको रेसिपी मतलब पूरा डिटेल में दिखाएंगे अभी काफी लोग बोलते हैं किंजल की चैनल खोल दो भाई इतना अच्छा किंजल बनाती है तो मुझे भी अच्छा लगा आपकी कमेंट देख के भाई और यहाँ पे देखो चीकू के साथ बाबू कर रही है बाबू के पास आई है बाबू कैसी है मेरी जैसी शांत है ना ये शांत है शांत तो फिर मैं तो इनसे भी शांत था ना बाबू तू तो बहु बहु शांत बहु शांत अपन कहीं बहु बहु शांत चीकू चीकू सर ये सब क्या मेहनत बैठना पड़ेगा बैठना है भाजी आप बना रहे हो भाजी भाजी तो बाबू आज बनाने वाले तांजलिया की मस्त भाजी तो इसकी भी रेसिपी हम आपको दिखाएंगे ये भाजी बहुत ही बढ़िया बनती है इसे बोलते हैं तांजलिया की मस्त भाजी ऐसा खाना चाहिए बाबू अभी बाजरी का रोटला तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम तल की चिक्की की तरफ जो बहुत ही मस्त बनती है जो ये चिक्की है ना वो ज्यादा नहीं बनाना चाहिए थोड़ा ही बनाना चाहिए दो दिन में खा जाओ उतनी ही बनाओ क्योंकि मॉनसून है ना इसलिए ज्यादातर रहेगी तो वो चिपचिपाहट वाली हो जाएगी क्योंकि इसमें गुड़ आता है गुड़ जो होता है ना वो बारिश की वजह से पूरा एकदम चिकनापन हो जाता है उसके अंदर तो दो दिन खाओ और अच्छे से खाओ चलिए किंजल के पास चलते हैं हेलो किंजल वेरी गुड आफ्टरनून तो यहाँ पे हमारे दोस्त ने हमें भेजा है भाखरवड़ी भेजी है बड़ी और ये पूरी हमारे दोस्त ने भेजी है तो बहुत ही थैंक यू सो मच और यहाँ पे खारी भी भेजी है वाह खारी बहुत ही बढ़िया लगती है की है और उसके साथ है भाई गर्मा गर्म वाह चाय है लेकिन क्या क्या डाले पता है आपको क्या क्या डाला ज्वार का पान डाला है और पुदीना का और नींबू का अच्छा वो नींबू का भी पान और सूट अच्छा ये सब डाला है तो बहुत ही अच्छी बनती है क्योंकि कोई भी सर्दी होती है ना पी सकते हैं उससे क्या है कि हमारा गला साफ हो जाता है अरे वाह ठंडी में गरम चाय बहुत अच्छी लगती है अच्छा ओके और क्या अभी बनाने जा रहे हो किंजल तुम चिक्की अरे वाह तल की चिक्की सबसे ज्यादा रूही को अच्छी लगती है ना तो ओके चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं तल की चिक्की बहुत ही बढ़िया किंजल की बनती है ना तो कड़कड़ी इतनी मस्त बनाती है ना ला पूछो बात देखो और अच्छी बनाओ बाद में वखाणी करो लेकिन अच्छी बनाने वाली है और इस सीजन में इस ठंडी की सीजन में हम वो चिक्की मांडवी की चिक्की उस साल तो इतना ज्यादा वो सारा कचोरी का वो सबका ऑर्डर रहता था इसलिए हम नहीं बना पाए लेकिन इस साल हम आपको वो सब
ताजा ताजा विंटर में ठंडी की हाँ ठंडी के सीजन में अभी से हमने वो तल ब्लैक व्हाइट सब लेके रखे। आप टेंशन मतलब आपको हम खिलाएंगे इस बार मस्त मस्त करके घर पे बनाएंगे। देखो आप तो इसका थोड़ा डेमो किंजल से पास देखते हैं किंजल कैसा बनाती है। चले किंजल गरम चाय के साथ अभी ये पूरिया बहुत ही बढ़िया है। और ये है पाखरोड़ी और इसे कुछ बोलते हैं भाई भूल गया उसको। और यहाँ पे तो चलिए अभी नाश्ता दोपहर का खाना करते शुरू। क्या लागे बाबा मस्त लागे सुपर लागे हमने बाहर ठंडा वाला मौसम है अभी और यहाँ पे गर्माहट वाला मस्त पूरी साथ मजा आ रहा है। किंजल वो कैसा है देखो तो मस्त है ना। अरे वाह चलिए फ्रेंड्स हमारा ऑर्गेनिक तल हमने ले लिया साथ में टेस्टफुल है तो चिक्की भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इसके अंदर जाएगा इसको थोड़ा शेक ना कर देते शुरू। लेकिन कितना शेक ना किंजल वो थोड़ा बताओ। अभी नॉर्मली 5 मिनट ये स्लो फ्लेम में रखना है उसके बाद बंद कर देना है। अच्छा 5 मिनट मतलब क्या होता है उसे गर्म करना गर्म हो जाता है और कटकड़िया हो जाता है ना एकदम। अच्छा तो वो फायदा है ना। थोड़ा रोस्ट कर देते हैं यहाँ पे किंजल थोड़ा तेल बेल चिपका दिया है। क्या है कि हम जो रोस्ट करते हैं ना तो चिक्की जब बनती है ना तब बिस्किट जैसी एकदम। अच्छा इसलिए वो कड़कड़ी जैसे लग रही है। अच्छा काफी ऐसी होती है कि वो कड़क क्यों होती है किंजल बहुत कड़क होती है तो उसका अच्छे से नहीं आता है इसलिए इसी वजह से हो सकता है। अच्छा पाक भी बहुत जरूरी है ना। अच्छा तो फ्रेंड्स इसका पाक लेना भी बहुत जरूरी होता है वरना मैंने काफी जगह ऐसी चिक्की खाई है लेकिन वो बनती है हमारे मम्मी की तो जोरदार उसी की मम्मी ने जो बनाई ना वैसे ही किंजल बनाती है लेकिन वो जब साथ में थे बना देते लेकिन मम्मी की मीठी लगती है क्योंकि मम्मी बनाते हैं ना तो हमारा खुद हमको अच्छा नहीं लगता कोई बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है वैसा होता है भाई। तो भाई वो काफी जगह हमने चिक्की खाते ना तो दांत से ये तोड़ते ना तो दांत टूट जाते दांत डगमगा हट जाते लेकिन चिक्की नहीं टूटती उसमें पाक का प्रॉब्लम होगा। तो चलिए अभी किंजल से पूरी रेसिपी हम करते शुरू। तो चलिए थोड़ी देर अभी 5 मिनट रोस्ट होने जाने के बाद हर बार मम्मी की मैं चिक्की खाती थी जब मैं सूरत में थी ना तब मम्मी मेरे लिए भेजते थे चिक्की। अच्छा मैं कभी बनाई नहीं है कभी फर्स्ट बार बना रही हूँ। अच्छा ये पहली बार तुम बना रही हो। यस फिर तो जोखम बहुत ज्यादा है। बोल रही थी वो पहले तंग मत करो बाद में करो खाने के बाद करो। अच्छा ओके फिर तो फ्रेंड्स आज जोखम भरा माहौल है क्योंकि किंजल पहली बार ये तल की चिक्की बना रही है। अब तक तो मेरी मॉम बनाती थी इसलिए किंजल को आराम था मोम बनाती थी और आराम से खाती थी कोई टेंशन नहीं था उनको। तो अभी देखते हैं कि कैसी बनती है। टेंशन नहीं है अभी आपके सामने में आपके सामने मैं ऐसे करूंगा तो चिक्की की टूटती है या मेरा दांत टूटता है वो खास देखते रहिएगा। ठीक है किंजल मेरा दांत टूटा ना फिर मैं बोखा हो जाऊंगा अभी से। देखो फ्रेंड्स मेरे को अभी बोखा कर देगी ऐसी तो नहीं बनेगी अच्छी बनेगी। अच्छा ऐसा सोचो कि अच्छी बने। अच्छा ओके चलिए तुम्हारा हर आइटम अच्छी बनी है तो ये भी आई होप अच्छा कि अच्छी बने ठीक है। वाह चलिए तल की चिक्की के पास हम चलते हैं। तो अभी ये उड़ने लगा है थोड़ा बहुत ये भी उड़ता है किंजल अभी फूलता है ना तल है ना जो अच्छा? फूलता है दाने। अच्छा ये फूलता है फूल जाएगा बात है बहुत तो थोड़ा ब्लैक हो जाए तब तक रोस्ट करना है। बहुत ब्लैक नहीं करना है अच्छा ब्राउन कलर का करना है। ओके और वो जो ब्लैक आपको दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स वो ब्लैक तल है। व्हाइट तल के साथ वो कभी कभी छोड़वा क्या होता है खेतों में ब्लैक हो जाता है तो आप मार्केट से जब व्हाइट तल लोगे ना तो सब व्हाइट आएगा और ब्लैक ही अलग लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है लेकिन गुणवत्ता A1 अभी गुणवत्ता बढ़ जाएगी अभी तो और गुड़ आता है और तल आता है तो साथ में कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है और गुड़ तो हेल्थ के लिए बहुत ही मस्त है। चलिए वेरी गुड रोस्ट हो चुका है और अभी इसको थाली में ले लेते हैं और थाली में वरना अट जाएगा। अट जाएगा नहीं मेरे को ऑर्डर आना चाहिए पड़ जाएगी। अच्छा तो इस तरह इतना रोस्ट हो गया है ना किंजल। अभी करेंगे गुड़ का पाक लेने वाले हैं। अच्छा गुड़ का पाक वो ऐसे लेते वो चली होनी चाहिए ठीक है। चलिए गुड़ का पाक ले लेते किंजल ने यहाँ पे तेल का लपेटा मार दिया बहुत ही क्लीन करके गुड़ भी आ गया मस्त। घी भी थोड़ा किंजल डाल रहे किंजल घी का क्यों डाल रहे हो। घी डाल सकते हो और तेल भी डाल सकते हो। यहाँ पे घी ले लिया और घी के अंदर डाल दिया गुड़ तो किंजल गुड़ क्यों डालते हैं भाई। गुड़ तो डालना ही पड़ता है। अच्छा तो घी क्यों डालते हैं। घी भी डाल सकते हो और तेल भी डाल सकते हैं। तो तेल क्यों नहीं डाला और घी ही डाला जिसको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ गुड़ का पाक लेने का किंजल ने कर दिया शुरू क्योंकि पाक अगर अच्छा नहीं हुआ फिर क्या होगा लाकड़ा जैसा हो जाएगा। किंजल अच्छा बनेगा किंजल बहुत अच्छा अच्छा बनेगा तो किंजल की शुरुआत अच्छी है
अभी देखते हैं आगे आगे अच्छी रहती है फिर बिगड़ती है, देखते हैं। बुढ़ा हट वाला माहौल हो गया है अभी। अभी पानी लिया है ना मैंने, अभी पानी में डालना है। ओके। और देखना है कि कड़क हो गया, तो कड़क हो गया तो पाक आ गया है। अच्छा, वो इस तरह वो पाक किस तरह देखते हैं वो सबको दिखाओ। पड़ता है, अभी दिखा। अच्छा, क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट चिक्की में एक ही पार्ट होता है कि वो पाक कैसे बनाए। अगर पाक अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर पाक निष्फल गया तो पूरा काम बिगड़ गया। पानी और किंजल चलो दिखाओ पाक कैसे लोगी तुम, क्योंकि पाक में मास्टर वो जीते बाजी। किंजल ने पाक लिया इसमें, पाक पानी में डाला है और देखना है कि जो पाक आ गया, ये पानी में डालते पता चलेगा। अच्छा, पानी में डालो फिर क्या पता चलता है? कड़क हो जाएगी तो पाक आ गया। अच्छा, ये कड़क हो गया तो, और सॉफ्ट रहा तो पाक नहीं आया, थोड़ी देर रखना। अच्छा, अभी नहीं आया इसलिए हम थोड़ी देर रखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो फ्रेंड इस तरह कुछ पाक किंजल लेती है, मीठी मीठी गुड़ की सुगंध आ रही है अभी। और इसने वापस किंजल का एक्सपेरिमेंट, ये दूसरी बार पाक लिया है क्योंकि किंजल का फर्स्ट टाइम है, इसलिए दो तीन बार पाक लेना कर देगी शुरू। वो कड़क जलेबी जैसा हो जाना चाहिए, है ना किंजल? अच्छा, अभी मैं समझ गया, थोड़ा कड़क हो जाए जलेबी जैसा, मतलब पाक आ गया है और सॉफ्ट रहा तो। अच्छा, ओके। तो फ्रेंड्स ये मेरे को भी नहीं पता था, और काफी हमारे व्यूअर्स को पता होगा और काफी व्यूअर्स को नहीं पता होगा। तो इस तरह पाक आता है, ये गुड़ को पानी में डालो और कटक से टूट जाए तो समझो कि पाक आ गया, इस साल आपका फेल नहीं गया। किंजल का अभी तल डाल रही है इसके अंदर, वाह, ये गया गुड़ के अंदर तल और ये हो गया मिक्सर। और इसमें जल्दी करना पड़ता है क्योंकि अगर देर हो गई तो भी ये कड़क हो जाता है। तो किंजल देखो मुझे बोलते आगे, आप दूर रहो थोड़ा क्योंकि मुझे दूर रहकर ये देखना है। वाह, तल से गुड़ चिपक गया है, क्या बात है, मस्त है किंजल। अरे वाह, उछल कर बाहर ना आ जाए किंजल। अभी इसको हम नीचे डाल देंगे, यहाँ पे रख दिया है किंजल ने नीचे। इसको हाथ से थोड़ा ऐसे इसका गूंदड़ा करना पड़ता है। अरे बस, वो गरम लगे, गरम से गरम। तो तेल किंजल ने पहले से डाल दिया था इसलिए तेल डालना जरूरी है ताकि चिपके नहीं। क्या बात है, बहुत ही मस्त। किंजल अभी क्या करना है? अच्छा वाह, किंजल ने अभी जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसा कुछ कर दिया शुरू। किंजल ने थोड़ा सा भी लेट हो गया, कड़क हो जाता है ना तो नहीं होती। अच्छा, वापस वो जल्दी नहीं है ना। थोड़ा दूर रहने को बोल दिया मेरे को, वार्निंग मिल गई है वरना मेरे को छुट्टा बेवना मारेगी। सभी हमारा चिक्की हो गया रेडी, तो अभी बेल लेना है अच्छे से ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उसकी पीस करेंगे अभी ठंडा होने के बाद, वो पतला लेयर हो जाए इसलिए ये पूरा बैठती है। कितना लेयर पतला हुआ यहाँ से पता चलेगा, आइए हम बारीकी से देखते हैं। Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस है, तो अच्छा लगता है। किंजल का पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही मस्त बनी। तो चलिए, ये क्रशी हुई बनती है या फिर दांत पाड़ देने वाले बनती है, हम देखते हैं अभी। वैसे कड़क नहीं, वैसे तो बहुत ही सॉफ्ट है, जल्दी ठंडी हो जाती है, इसे जल्दी इसको काटना भी पड़ता है ना। जोरदार बने किंजल, और यहाँ से देखो निकाला कर ये पूरा पॉट, देखो यहाँ से पूरा निकल के आया है। तो मेरे को लगता है ये पूरा ढेपला पड़ेगा पूरा किंजल। वाह किंजल, अरे वाह किंजल, अरे वाह किंजल ने सुदर्शन चक्री। अभी पीस करने वाले हूँ। अच्छा, इसको पीस करेंगे ना। तो चलिए, मतलब कड़कड़ाहट वाला बहुत ही मस्त बना है, देखो मतलब कड़कड़ाहट वाला हुआ है ये पीस, देखो। अरे वाह, किंजल पीस रेडी करने लगी है। अच्छा, पहले भगवान को भोग लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया तल साकड़े रेडी हो चुकी है, इसके अंदर गुड़ भी बहुत ही मस्त चमक रहा है और मेरी मॉम जैसी एकदम तल साकड़ी हुई है। तो किंजल का पहला एक्सपीरियंस द बेस्ट रहा और बहुत ही बढ़िया किंजल बनाती है। तो तल साकड़ी वैसे आप घर पे भी बना सकते हो, ये बहुत ही आसान से बन जाती है, लेकिन जब पाक लेना हो और पाक लेने के बाद जब इसे कटिंग पेस्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन किंजल ने पूरा डब्बा भर दिया, चलो करेंगे वरना बारिश जाएगी। सुपर सुपर बनी ढाकी पड़े नगर भेज लगी जाए ना ढीली पड़ी है, पैक कर दिया होने कड़कड़े नेवी नेवी रहे ना कड़कड़े। फ्रेंड जैसे मैंने बोला था कि ये दांत रहेगा या टूट जाएगा, तो आइए हम देखते हैं कैसा बनता है। वैसे तो
वाह है ना करामत, एकदम करामत वाली करकड़ी है अभी, करकड़ी। यस, मम्मी की जैसी बनी ना, मम्मी के जैसी चल सागले पूरी मस्त बनी है। तो थैंक यू सो मच किंजल। ओके वेलकम, वेरी गुड किंजल, एक्सपीरियंस द बेस्ट। लेकिन जल आज के लिए इतना ही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट। बाय बाय बाय।